मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, कल हमने एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन नंबर 12 तक स्टडी की थी। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहा है? ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 7 लाख बाइसिकल इन ओवर एरिया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मींस बनाती है बाइसिकल साइकिल कितनी? 7 लाख। किस महीने में? अक्टूबर मंथ में। एंड 85,900 बाइसिकल इन नवंबर, और नवंबर में बनाती है 85,900। एंड 9,35,876 बाइसिकल्स इन दिसंबर। हाउ मेनी बाइसिकल्स डिड इट प्रोड्यूस इन द 3 मंथ्स? तो देखो कैसे करेंगे। प्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितनी बनाती है? 7 लाख। नवंबर में बनाती है 85,900। एंड दिसंबर में? दिसंबर बनाती है 9,35,876। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी बाइसिकल्स डिड इट प्रोड्यूस इन दी 3 मंथ्स, यानी कि इन तीनों महीने में, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तीनों में कितनी बाइसिकल बनाती है? तो देखो, बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 3 मंथ्स, तो क्या करेंगे? ऐड। ऐड करेंगे 6, 7, 9 में 8 ऐड किए, 17 का 7 कैरी 1, 5 में 5 ऐड किए 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 8 में 3 ऐड किए 11 और 1 कैरी का 12 का 2 कैरी 1, 9 में 7 ऐड किए 16, 16 में 1 ऐड किए 17। तो सारी बाइसिकल्स कितनी बनाती है? 7 लाख। My next question is, a clerk earn means होता है कमाना। एक क्लर्क है, वो कितनी, उसकी जो अर्निंग है 65,821। नेक्स्ट अर्निंग जो है वो है 75,938 एंड 35,897 इन द इयर्स। इयर्स है 2014, 2015 एंड 2016। हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 3 इयर्स? तो देखो, अर्निंग इन ईयर 2014 में कितनी अर्निंग है उसकी? 65,000
821. Earning in year 2015 की जो अर्निंग है वो है 75,938. 2016 की जो अर्निंग है वो है 35,897. अब वो कह रहा है कि हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज थ्री डेज, तो इन तीनों इयर्स में वो कितना कमाता है, अर्निंग इन थ्री इयर्स. निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐड ऐड करेंगे. 8 में 1 ऐड किए 9, 9 में 7 ऐड किए 16 का 6, कैरी 1, 2 और 1 कैरी का 3, 3 में 3 ऐड किए 6, 6 में 9 ऐड किए 15 का 5, कैरी 1, 8 में 1 ऐड किए 9, 9 में 9 ऐड किए 18 और 18 में 8 ऐड किए 26, कैरी 2, 5, 5 में 5 ऐड किए 10, 10 में 5 ऐड किए 15, 15 में 2 ऐड किए 17 का 7, कैरी 1, 6 में 1 ऐड किए 7, 7 में 7 ऐड किए 14, 14 में 3 ऐड किए 17. तो उसकी जो अर्निंग है 3 इयर्स की वो कितनी हो गई, 1,77,656. My next question is, a jeweler sold gold ornaments worth 7,87,600. एक ज्वेलर है, ठीक है, गोल्ड या सोने के जो ऑर्नामेंट्स सोल्ड करता है वो है 7,87,600 के. सोल्ड करता है वो है 35,876. अब वो कह रहा है व्हाट वाज हिज टोटल सेल इन द वीक, यानी कि वो दोनों जो है टोटल सेल टोटल के लिए क्या करेंगे, ऐड ऐड करते हैं 6, 7, 8 में 6 ऐड किए 14 का 4, कैरी 1, 7 में 5 ऐड किए 12 और 12 में 1 ऐड किए 13 का 3, कैरी 1, 8 में 3 ऐड किए 11, 11 में 1 कैरी का 12 का 2, कैरी 1, 7, 1, 8.
तो सारी जो इनकमिंग है उसकी वो कितनी होगी इनकम? 8 लाख।23,476। My next question is, देखो इसमें क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में, इलेक्शन यानी कि चुनाव, देयर वर 4 कैंडिडेट, कैंडिडेट कितने हैं? 4। दे गोट फॉलोज वोट एज फॉलोज, उसको जिस तरीके से वोट मिली थी। द फर्स्ट कैंडिडेट की जो वोट है वो है 1,54,969। द सेकंड कैंडिडेट को 2,42,482। थर्ड कैंडिडेट को 45,952 वोट्स मोर देन द फर्स्ट कैंडिडेट। Fourth candidate got 22,761 votes more than the second candidate. तो देखो कैसे निकालेंगे। Votes for candidate. फर्स्ट कैंडिडेट की वोट कितनी है? 1,54,969। सेकंड कैंडिडेट की 2,482। थर्ड कैंडिडेट की जो वोट है वो क्या कह रहा है? 45,962 मोर देन फर्स्ट कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट को जो वोट मिली थी वो कितनी है? 45,962 more than first candidate. तो देखो 45,962 more than means ज़्यादा है, किससे? first से। और first की वोट कितनी है? 1,54,969। इसको इसमें प्लस करें, 9 में 2 ऐड किए 11, कैरी 1, 6 में 6 ऐड किए 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 9 में 9 ऐड किए 18, 1 कैरी का 19 कैरी 1, 5 में 4 ऐड किए 9 और 1 कैरी का 10 की 0 कैरी 1, 5 में 4 ऐड किए 9 और 1 कैरी 0 1 और 1 2। थर्ड कैंडिडेट जो वोट है वो कितनी होगी? 2,931। थर्ड कैंडिडेट की जो वोट है वो कितनी हो गई? 2,931। अब कह रहा है फोर्थ कैंडिडेट, फोर्थ निकालें। कितनी है? 22,761 more than
सेकंड कैंडिडेट। तो देखो 22,761 सेकंड कैंडिडेट की वोट कितनी थी, 2,42,482। ऐड करेंगे 3, 8 में 6 ऐड किए 14 का 4 कैरी 1, 7, 4 ऐड किए 11 और 1 कैरी का 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2, 4, 4, 1, 5, 4 में 2 ऐड किए 6, 2। तो फोर्थ कैंडिडेट की2,65,243। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट में ए में फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गिवन टू थर्ड कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट की जो वोट है वो कितनी है, 2,09,31। द फोर्थ कैंडिडेट, फोर्थ की कितनी है, 2,65,243। ए का फर्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, 2,09,31। फोर्थ कैंडिडेट को 2,65,243। ठीक है, अब बी में वो क्या कह रहा है, नेम द कैंडिडेट हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। नेम द कैंडिडेट हु गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिली, तो देखो फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी मिली, 1,00,000। सेकंड कैंडिडेट लिख के दिखा देती हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट की जो वोट थी वो है 1,54,969। सेकेंड वोट है 42,482। अब ये पूछ रहा है कि नेम द कैंडिडेट हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। सबसे ज्यादा वोट किस कैंडिडेट को मिली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो फर्स्ट को मिली 1,00,000 में 2,2,2। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिली, फोर्थ कैंडिडेट। What is the total number of votes polled in the election? What is the total number of votes polled in the election? इलेक्शन में सारी वोटें कितनी पड़ी ये बतानी है, तो सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसकी जितनी वोटें सबको क्या करेंगे, ऐड। तो 1,54,969, 2,42,482, 2,09,31, 2,65,243। इनको क्या करना है, ऐड। ऐड करेंगे
वन कैरी का सॉरी नाइन में टू ऐड किए इलेवन और वन, ट्वेल्व में थ्री ऐड किए फिफ्टीन का फाइव कैरी वन। सारी जो वोट कितनी पोलिंग हुई थी, कितनी पोल हुई थी, 8,63,000 600 25। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, डी में नेम द कैंडिडेट हु गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ वोट, नेम द कैंडिडेट हु got the least number of votes, name the candidate, उस कैंडिडेट को बताइए whom is जो got the least, यानी कि सबसे कम, सबसे कम किसको मिली थी, फर्स्ट को, किसको मिली थी, फर्स्ट कैंडिडेट को। इस तरीके से हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हुई, कल से हम स्टडी करेंगे यूनिट 5 की।